नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक रिबॉन्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के बारे में, AKA सैमसंग गैलेक्सी A81 के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट का ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन शीट लीक हो गया है, हम इस वीडियो में इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। अलॉन्ग साइड हम इसकी लॉन्च डेट एंड इसकी इंडियन प्राइसिंग क्या होगी ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी वेट कर रहे होंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो स्पेसिफिकेशन से, ये कोई लीक या रूमर नहीं है, ये ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सीट है जो लीक होकर आई है। तो हमें ये फ़ोन में यही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, सुपर एमोलेड पैनल होगा, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया इसका डिस्प्ले रहने वाला है। अगर हम एस पेन के सपोर्ट की बात करते हैं तो जी हाँ, इसमें हमें एस पेन सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये नोट का लाइट वर्जन है तो इसमें हमें एस पेन का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सैमसंग अपने नोट 10 लाइट में भी एस पेन का सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ये एक नोट का सीरीज़ है और हमेशा सैमसंग अपने नोट सीरीज़ में एस पेन का सपोर्ट देता ही है। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें हमें एक्जीनोस का 9810 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो हमने सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 में देखा था। हाँ, थोड़ा प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो गया है, 1.5-2 साल पुराने, इसमें हम अभी भी फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और गेमिंग भी अच्छे खासे हम इस प्रोसेसर के साथ कर सकते हैं। अगर हम रैम एंड इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की बात करते हैं तो 6 GB रैम एंड 128 GB के साथ ये फ़ोन आने वाला है। 6 GB और एक्जीनोस 9810, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर हम एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलने वाला है 1 UI 2.0 के साथ। अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी हमें देखने को मिलने वाली है, 25 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये करेगा, तो काफ़ी अच्छे आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिलने वाली है। इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता, लेकिन वायरलेस चार्जिंग थोड़ी गेमिंग की फीचर में आ जाता है और वैसे भी वो थोड़ा स्लो रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चार्जिंग। तो मुझे लगता है कि 25 W फास्ट चार्जिंग एक अच्छी चार्जिंग स्पीड हमें दे सकता है और बैटरी की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है, 4500 mAh की बैटरी हमें इस फोन में देखने को मिलने वाली है। अगर हम थोड़ी एक्स्ट्रास की बात करें तो इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है, 4K आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पे, और इसमें हमें 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलने वाला है, जो सैमसंग ने ऑमिट किया था अपने जो नोट 10 सीरीज़ था उसमें। हमने नोट 10 और नोट 10 प्लस में हेडफोन जैक नहीं देखने को मिला था, लेकिन नोट 10 लाइट में हमें 3.5 mm हेडफोन जैक जरूर देखने को मिलने वाला है। तो ये खासियत होती है दोस्तों एक लाइटर वेरिएंट की। तो अभी हम कैमरा, इसकी कैमरा दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। जो पहले लिंक लिख के सामने आई थी उसमें पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें हमें 48 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो मुझे लगता है जो A50s में सेंसर यूज़ किया गया था सेम इसी में वो यूज़ करने वाले थे, लेकिन सैमसंग ने अपने डिसीजन चेंज कर दिया है। इसमें हमें स्क्वेयर शेप में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाले और जो मेन कैमरा है वो 12 MP का F1.7 एपेचर के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये काफ़ी बेटर कैमरा है एज़ कम्पेयर टू 48 MP। अगर जो सेकंड कैमरा है वो भी 12 MP अल्ट्रा वाइड एंगल है और जो थर्ड कैमरा है वो 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा हमें इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। तो जो कैमरा है इस फ़ोन का वो काफ़ी तगड़ा नज़र आ रहा है। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो इसमें हमें 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो हमने A50s में भी देखा है वही सेम मुझे लग रहा है कि सेंसर सैमसंग इस फ़ोन में यूज़ करेगा कॉस्ट कटिंग करने के लिए। अभी हम इसकी लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉन्च डेट को डिस्कस करेंगे, तो जो लीक निकल कर सामने आ रही है इसकी लॉन्च डेट की, वो मिड ऑफ जनवरी 2020 यानी कि 17 to 18 January डेट अभी आ रही है सामने, ये इस डेट को लॉन्च हो सकता है अलॉन्ग साइड सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite। तो S10 Lite एंड नोट एक दिन लॉन्च हो सकते हैं, AKA A81 एंड A91। अभी हम प्राइसिंग की बात करें तो इसमें हमें थोड़ी बहुत अच्छी प्राइसिंग देखने को मिल सकती है इस बार सैमसंग की तरफ से। जो लीक निकल के आ रही है नोट 10 लाइट की प्राइसिंग की, वो 599 यूरो से 609 यूरो के बीच में, अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये 48,000 to 49,000 इंडियन रुपीज़ के ब्रैकेट में आता है। और अगर ये इस प्राइस रेंज में आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये 40-42,000 के बीच में आता है तो ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें हमें जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना देखने को मिलता है, लेकिन इसकी कैमरा हमें जो सैमसंग का ब्रांडिंग है वो सब इसमें अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कौन से प्राइस में ये फ़ोन ठीक है, तो आप इस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना।